अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। जी, आज हमारी फर्स्ट जो है असाइनमेंट चेकिंग होगी होलसेल एफपीए बिजनेस मॉडल के लिए, और हमारे तीन स्टूडेंट्स ने जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवाई है, और जो फोर्थ स्टूडेंट है उनका कुछ इशू था लैपटॉप का, जिसकी वजह से वो करवा नहीं सके और वो नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं अरूज की। जी, अरुज ने जो है वो कैनवा का लिंक भी लगाया है और ये शीट भी इन्होंने कर ली है अपलोड। इसका मतलब है अरुज, आपको शीट वाले स्टेप तो सारे फिर समझ आ गए थे। यस मैम। वेरी गुड, वेरी नाइस। जी ठीक है, आपने मार्केट प्लेस भी सही सिलेक्ट की हुई है और ये बेस्ट सेलर्स का, ठीक है, वेरी गुड। और ऐसे नंबर यहाँ पे, गुड, ठीक है, वेरी गुड। इधर अब ये देखे ना, यहाँ पे ये ब्रांड नेम यहाँ पे भी शो हो रहा है और टाइटल में भी है, ठीक है ना, वेरी गुड। यहाँ पे भी और यहाँ पे बी एस आर बी बेस्ट सेलर रैंक, वो भी यहाँ पे शो हो रहा। यस मैम, मैंने वो भी किया था। वेरी गुड, क्योंकि अब देखे ना, मेरा ख्याल इस वाले इसके पास मेरा ख्याल है अमेजोन चॉइस का बैच था। मैं चेक करती हूँ, नंबर वन बेस्ट सेलर, ठीक, वेरी गुड, ठीक, जबरदस्त। इट्स मीन कि आपको सब चीजें समझ आ गई, बिल्कुल। ये यहां से हम देखते हैं कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है या नहीं, ठीक है। अगर ये चीज शो ना हो रही हो, इट्स मीन कि वो फिर पीएल की प्रोडक्ट होगी, ठीक है ना। न्यू एंड यूज्ड 6 लिखा आ रहा है, ओनली न्यू भी लिखा आ सकता है, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है वो होलसेल की प्रोडक्ट को देखते हैं कि आया ये होलसेल की है या पीएल की। ओके, ये आपने फिर उसको क्लिक करके और जो फिर उसके थे सेलर, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने, जबरदस्त, वेरी गुड। मजा आता है ना ऐसे कि फिर सिखाया जाए और फिर स्टूडेंट्स वर्किंग करें तो बहुत अच्छा लगता है। आपने शीट भी अपनी जो है वो कर ली थी, 1 मिनट, जबरदस्त। इसमें आपके कितने आगे, आपको कितनी शो हुई थी, ब्रांड कितने, जी 206, जबरदस्त, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं ये दोबारा रिपीट भी करूंगी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो हमारे स्टूडेंट हैं वो है अली। वेरी गुड प्रेजेंटेशन, ब्रांड नेम एंड बीएसआर रैंक, बिल्कुल। आप इस तरह से जो है वो कैनवा पे प्रेजेंटेशन, आपने सिंपल स्क्रीनशॉट लगाए अरुज, आप इस तरह से जो है वो मेंशन भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आप यस जितना मैम। अच्छा, जितनी खूबसूरती से वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, वो बहुत आपका अच्छा वो दूसरे पे तासुर जाता है, ठीक है। अब ये आप लोग वर्किंग कैनवा पे करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट के साथ भी वर्किंग करते हैं तो उन्हें फिर पता लगना चाहिए कि हाँ ये जो VA है इसको काम का पता है, ठीक है ना। फिर वो मैं आपको साथ के साथ गाइड भी करूंगी कि फिर आप कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, वेरी गुड। ये URL में से उन्होंने ऐसा नंबर जो है वो शो किया है, वेरी गुड, ठीक। प्रोडक्ट डिटेल, इसमें BSR भी हमें शो हो रहा है और ये ऐसे नंबर भी शो हो रहा है, ठीक है, जबरदस्त। ओके, ये जो है वो मजीद जो उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन थी।
ठीक है अली, इससे पहले जो एक स्टेप था ना, जैसे अरूज की प्रोडक्ट में था न्यू एंड यूज्ड वाला, वो जिसको क्लिक करके ओपन करके आप ये वाला पेज आपने ओपन किया है, उसका स्क्रीनशॉट आपने लगाना था, ठीक है? तो बस वो स्टेप आपका मिसिंग है, नेक्स्ट टाइम आप इसका ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, आप एक कदम मजीद आगे गए हैं, आप रेटिंग भी निकाल रहे हैं, जबरदस्त। बहुत अच्छा काम है, जबरदस्त जी। अब तैयबा, आपकी जो असाइनमेंट है, आपने यहाँ पे जो आपने लिख इधर पेस्ट किया है ना, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट ने कोई वर्किंग नहीं करनी, ठीक है? आप लोगों ने वर्किंग करनी है यहाँ पर, ठीक है? आपने प्लस का साइन पे क्लिक किया और आपको ब्लैंक शीट मिल गई जो ऑलरेडी आप लोग ले चुके हो, ठीक है? उस पे आप इस तरह से असाइनमेंट नंबर वन स्क्रीनशॉट्स देन लिंक, ठीक है? फिर यहाँ पे आप वो अपना कैनवा का लिंक पेस्ट करेंगे, और ये देखें, ये नीचे अब ये देखें, ये शीट शो हो रही है ना, यहाँ पे फिर जी आप लोग अपना नाम लिखते हैं, ठीक है? ठीक है। A1 by हमजा लिख देते हैं, क्योंकि हमजा की अभी आई नहीं, हमजा का लिख देते हैं, H, हाँ AMZ, ठीक है? अब हमजा जब अपनी करवाते हैं तो फिर यहां से हम क्लिक करेंगे और फिर हमजा की जो है वो ओपन हो जाएगी शीट, ठीक है? इस तरह से होगा। आप वो जो मेरी शीट है ना, उसको आप लोग नहीं, उस पर कोई भी वर्किंग करेंगे आप लोग यहाँ पे। अब ये देखिए, अब ये अरूज की ऑलरेडी बनी हुई है ना, अब आप मजीद जी इसको पेचीदा नहीं करेंगे। आप चाहें अरूज तो आप नीचे जाके या इस पे लिंक लगा सकती हैं, दूसरी जो असाइनमेंट मिलेगी, नहीं तो अरूज आप यहाँ से मजीद जो है वो एक शीट ली, ठीक है? और यहाँ पे आप अपना वैसे करके और A2 by अरूज कर दें, ठीक है? इस तरह से आप लोग कर देंगे, और फिर बेशक ठीक है मैडम, उसी पे ही समझ में आप आ गई सारे अपने अलग ही लिंक सेशन लगा करना दें। है। जरूरी नहीं कि आपने हर असाइनमेंट के लिए एक नई नई शीट लेके और नया लिंक और नीचे सारी चेंजिंग करनी है, ठीक है? बेशक आप लोग A1 वाली पे ही अपने लिंक लगा दें, ठीक है? हाँ ठीक है ना। अब जैसे तैबा, मैंने आपकी ये इधर एडिट कर दी थी, और A1 by तैबा मैंने कर दिया था। अब ये देखिए, मैंने वहां से आपका इधर कर दिया। अब ये बाकी सारी शीट ब्लैंक है, आपने असाइनमेंट नंबर 2 है, यहाँ पे उसका लिंक लगा दें, यहाँ पे लगा दें, ठीक है? आप लोगों ठीक है को मैडम, ज्यादा अब समझ आ परेशान, गई मुझे। हाँ आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि अब हम मजीद शीट लें, अब उसका क्या करें। बेशक आप इसी शीट पे एक प्रॉपर वे में अपनी असाइनमेंट्स जो है वो उनके लिंक्स लगा के सबमिट करवा दें, ठीक है? मजीद लेनी है ठीक शीट, है मैडम, मजीद ले लें, इसी पे करना है असाइनमेंट का लिंक लगाना है, इस पे लगा दें, ठीक है? अब ये स्टेप सबको क्लियर यस मैम। है? ओके जी, जबरदस्त। मार्केट प्लेस भी आपने चेंज कर ली, वेरी गुड, बेस्ट सेलर का ये। नेक्स्ट देखते हैं जी। सही है, बैक करते हैं सर। अब ये देखे ना, ये यहाँ पे ये देखे, यहाँ पे भी इसका ऐसे नंबर शो हो रहा है, ठीक है? इसको भी आप हाईलाइट यहाँ पे कर सकती थी, हो सकता है आपने आगे किया हो। जी, यहाँ पे इन्होंने ब्रांड नेम को कर दिया, जबरदस्त, वेरी गुड। ये प्रोडक्ट डिटेल में से इन्होंने ब्रांड को जो है वो हाईलाइट किया, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल जबरदस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को माशाल्लाह सारे वो स्टेप्स समझ आए हैं। अगर आप इसी तरह साथ की साथ जो है वो वर्किंग करते रहेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी बर्डन भी फील नहीं होगा,
और प्रॉपर वे में आपको समझ भी आएगा, कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप साथ के साथ करेंगे भी। अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट्स जो है वो मिस करते हैं तो फिर आपके पास काम डबल हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप पिछले को भी देख रहे हैं, आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और वो फिर आपको प्रॉपर उस तरह समझ नहीं आती। वेरी गुड, यहाँ पे भी ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैम एक क्वेश्चन है, जी, अगर हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को ऐसे बना के आपको भेजें अपनी आसानी के लिए कि हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं और अपने आप को स्मूथ कर रहे हैं इस चीज में, तो वो भी ओके होगा आपके लिए कि एक प्रोडक्ट से ज्यादा हमने आपको भेजा है? ठीक जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको है सिखाने के ठीक लिए ही बैठे हैं ना। है ठीक है हाँ, अभी हम जो है अभी हम सिर्फ बेसिक स्टेप्स इसके सीख रहे हैं, अभी कैसे हमने प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड करना है, फिर उसको हमने प्रॉपर अभी इनके कीपा ग्राफ एनालाइज इसको कैसे कैसे करेंगे, बहुत सारे स्टेप्स हैं। जब वो सारे स्टेप्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हो जाते हैं, देन फिर एक विनिंग प्रोडक्ट हमारे सामने आती है। ठीक है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजें बताऊंगी, फिर वो सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही होगी वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट कहलाएगी। आपने कोई आपको कंफ्यूजन है, आप दो प्रोडक्ट्स का मुझे भेजना चाह रही हैं, आप भेज सकते हैं, बिल्कुल हम चेक करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके ओके जी, अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है, सबसे ऊपर जो है ये ब्लैक बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स आप सबको मिल गए होंगे, तो आप लोगों की स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम वन टाइम क्लिक करते हैं, ओपन इन न्यू टैब। यहाँ पे मैंने एडवांस्ड को क्लिक किया, ओके, कोई बात नहीं, आज जो है वो हम ये सीखेंगे, आपको कल प्रोवाइड टूल हो जाएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि आप लोगों ने आज तो कोई वर्किंग थी नहीं आप लोगों की टूल्स की, तो मेरी मैम से भी बात हुई थी, उन्हें मैंने फिर बताया था कि अभी आप लोगों को प्रॉपर समझ भी नहीं आई, तो आज आप लोग ये समझें, इंशाल्लाह कल आपको टूल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है ये देखें, इसके ये ऑप्शंस हैं, इनके थ्रू जो है हम जो है वो प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है प्रोडक्ट का ऑप्शन, इसके जरिए हम ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आएंगी तो ऑटोमेटिकली उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड भी होते हैं वो भी हमारे सामने आएंगे। ठीक है, इसके लिए जो है सबसे पहले जो है हम अपनी मार्केट प्लेस को चेक करेंगे, जिस मार्केट प्लेस के लिए हम काम, हम जो है होलसेल के लिए जो है वो यूएसए की मार्केट को रिकमेंड करते हैं, हम इसमें वर्किंग कर रहे हैं। आइंदा अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है वो किसी और मार्केट प्लेस के लिए आपको कहता है, तो आप यहाँ से फिर अपनी मार्केट प्लेस को चेंज करके उसके मुताबिक फिर वर्किंग अपने क्लाइंट के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम सारा क्राइटेरिया एक पुट करेंगे वो क्राइटेरिया हम खुद से नहीं दे रहे, ठीक है, ये एक ऑथेंटिक क्राइटेरिया है जो मार्केट में चल रहा है, और जब आप बाद में भी वर्किंग करेंगे तो तकरीबन इसके अकॉर्डिंग ही जो है हम वो प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि जब आपको क्लाइंट मिलता है ना तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, क्योंकि बाज़ का तो होता है वो नंबर ऑफ सेलर्स में चेंज कर देता है, या वो उसकी प्राइस अपनी चेंज कर लेता है, प्राइस अब हर बंदे की अपने बजट के हिसाब से, जिसके पास ज्यादा बजट होगा वो आपको ज्यादा भी डॉलर्स में प्राइस बता सकता है कि जी मेरी मैक्सिमम प्राइस जो है हमने तो यहाँ पे 40 पुट कर रहे हैं, लेकिन वो कहे जी कि आप 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, तो ये फिर आपके क्लाइंट का, या आप खुद बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको खुद को पता होगा कि आपका बजट कितना है और आपने कितना इसमें आप इसमें मैक्सिमम में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हमने जो है नंबर ऑफ सेलर्स में मैंने
मिनिमम में 5 पुट किया है और मैक्सिमम में 25, ठीक है। देन अब ये जो है ना वो मिनिमम ये आपको सेलर्स बताऊं कि ये जो है जब हम होलसेल की प्रोडक्ट देखते हैं कि उसमें मी टू कितने लोग करके बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये वो चीज है कि मैं कह रही हूँ इस टूल को कि इसमें जो है वो कम से कम 5 लोग ऑलरेडी हों इस प्रोडक्ट में, ठीक है, जो मी टू इसको करके बैठे हों। क्यों? इसलिए कि मैं जो पहले या दूसरे नंबर पे जाऊं और रिस्क लूं और फिर मेरी जो है मुझे फायदा हो, मेरी सेल हो या ना हो, तो ये मेरे लिए बहुत रिस्की होगा। अगर 5 लोग ऑलरेडी जो है वह इसके साथ मी टू करके बैठे हैं, इट्स मीन कि इनकी सेल हो रही है, अच्छी हो रही है। और अगर मैं भी 6वां चला जाऊंगा या चला जाऊंगी तो फिर मेरी भी जो है प्रोडक्ट सेल होगी। और अगर इन 5 को जो है वो ब्रांड ने अप्रूवल दिया है, हम ब्रांड या के बगैर तो नहीं ना, ब्रांड की इजाजत के बगैर तो नहीं ना कर सकते। अगर इन 5 को भी ब्रांड की तरफ से परमिशन मिल गई है तो मुझे भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और मैक्सिमम में 25 मैंने इसलिए किया है कि हद जो है वो 25 लोग हों, इससे ज्यादा ना हो। अब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सेल अगर अच्छी होगी, अगर उसकी 2000 सेल है तो वो 25 लोगों में, और अगर 26वीं मैं चली जाऊंगी उस प्रोडक्ट में तो वो जो है वो 26 जो लोगों में डिवाइड होगी अगर 2000 है, ठीक है। फिर वो कितनी आएगी 26 लोगों में, ठीक है। इस वजह से अगर 25 से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर उसमें जो है वो हमें प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। इस वजह से हमारा ये नंबर ऑफ सेलर्स वाला है, मिनिमम में 5 और मैक्सिमम में 25। प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है मैं यहाँ कह रही हूँ कि मिनिमम में $1 और मैक्सिमम में $40, ठीक है। नेक्स्ट जो है मंथली रेवेन्यू, इस प्रोडक्ट का जो है जो मंथली रेवेन्यू है वो मैं मिनिमम में 5000 मैंने पुट किया है, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो जितना मर्जी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आप जब अब देखें वर्किंग करेंगे ना तो 5000 तो कुछ भी नहीं, आपको बहुत ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू भी नजर आएगा, हजारों में आएगा, लाखों में आएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। अब मंथली सेल्स यूनिट की बात करें तो मैं कहती हूँ कि कम से कम जो है वो 500 यूनिट्स तो सेल हो रहे हो ना, इससे कम सेल होगी तो वो फिर उसमें क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस साइड पे हमने इतनी सेल्स में वर्किंग की, अब हम आ गए हैं दूसरी साइड पे रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट हमारे जो हैं हम लिखेंगे 200, ठीक है। मैक्सिमम जितने मर्जी हों, यानी कम अज कम जो है इस प्रोडक्ट को जो है वो 200 रिव्यूज तो मिले ना, ठीक है। और जहां तक रेटिंग की बात है, जैसे स्टार्स में रेटिंग होती है ना वैसे रिव्यू रेटिंग होती है, ठीक है। जैसे 5 स्टार्स होते हैं तो ये जो है 4.2 हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और 4.2 से अगर जो है कम रेटिंग हो ना तो उसको फिर अच्छा नहीं समझा जाता। अगर 4 रेटिंग हो, 3.9 रेटिंग हो, इट्स मीन के इसमें जो है वो रिटर्न है या के प्रोडक्ट अच्छी नहीं जो है हमारे कस्टमर को गई है और उसको उसने कंप्लेन आई है, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह के इश्यूज फिर होते हैं तो वो फिर रेटिंग भी गंदी हो जाती है ऐसी प्रोडक्ट की। तो हम इस टूल को कह रहे हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो है ऐसे ब्रांड्स हमें दिखाना कि जिनकी रिव्यू रेटिंग जो है 4.2 हो, 4.2 से कम ना हो, ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए। बेस्ट सेलर रैंक में हमने डिस्कस किया था कि 1 से लेके 50,000 तक, हजारों में भी ये BSR आपको मिलेगा, लाखों में भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम जो है मैक्सिमम 50,000, ठीक है। इससे ऊपर फिर जितना जाते जाएंगे ना फिर वो BSR गंदा होगा और इट्स मीन के हमारे उस प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी नहीं है।
अब शिपिंग साइज को क्लिक करती हूँ, तो अभी हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑप्शन चाहिए प्रोडक्ट्स के और ब्रांड्स के, हमें चाहिए डिटेल, तो फिर मैं इसको सिलेक्ट ऑल कर दिया। ठीक है, वेट की बात करें तो यहाँ पे मैं 3.3 पुट कर रही हूँ और ये फुलफिलमेंट को क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं अमेजोन और FBA FBM के साथ हम नहीं जाएंगे। ठीक है, FBM के साथ हम वर्किंग नहीं कर रहे, ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। ठीक है, अमेजोन पे हमने चेक लगाया और FBA पे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब कैटेगरी जो है यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे रिकमेंडेड कैटेगरीज में से कुछ भी, कोई भी रिकमेंडेड कैटेगरीज जो आपको प्रोवाइड की गई थी उनमें से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ किचन एंड डाइनिंग की है। ठीक हो गया जी। वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन होलसेल में चलती है, और फिर इसको वेरिएशन को कैसे देखते हैं वो फिर इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेरिएशन पे हम चेक नहीं लगाएंगे। ठीक है, कुछ भी ऐसे ही हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए। अब हम इसको कर रहे हैं सर्च जी। यहाँ पे टूल ने कहा है कि आप जो है ये इसको 3 या 4, मैं इसको उसका पॉइंट खत्म कर दिया और 3 देन सर्च। जी, अब इस टूल ने मुझे जो है यहाँ पे 200 आइटम्स जो हैं वो दिखाई है। ठीक है, अब एक पेज पे ये 25 शो हो रही हैं। ठीक है, अब आप जो है वो फिर जब इसको देखते हैं तो आप इसको फिर यहाँ से वन बाय वन आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्लिक करते हैं अमेजोन पे, तो ये देखें आपका अमेजोन पेज खुल गया। ठीक है, वही प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन हो गई, लेकिन क्या है कि यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान है सबसे पहले, फिर आप लोग अपनी मार्केट प्लेस को चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, फिर इसको चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी हमारे स्टेप्स होंगे फिर हम वो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दोबारा मैं ब्लैक बॉक्स पे जाती हूँ। इसी तरह ये हम फिर जो भी हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हैं उस तरह से हम ये वन बाय वन चेक करते हैं। अब हमने ये आ गया रिजल्ट हमारे पास। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि भी अभी हम बैठ के ये 200 आइटम्स जो हैं हम अभी के अभी देख लें। अभी हम अगर हम इसको सेव करना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है? ठीक है, उसके लिए हम आएंगे एक्सपोर्ट डाटा। अब ये स्टेप्स को सीख लीजिएगा, लास्ट लेक्चर में आपको ये समझ नहीं आई थी, जहां पे जिसको ना समझ आए काइंडली वो वहीं बता दे। ठीक है, एक्सपोर्ट डाटा को यहाँ पे वन टाइम क्लिक किया, नीचे शो हो रहा है CSV फाइल। यहाँ पे आप वन टाइम क्लिक करेंगे, जी ये देखें यहाँ पे ये शो हो रही है। अब हम एक न्यू टैब ओपन किया जी, बिल्कुल सेव करने के लिए हम CSV पे ही जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे शीट्स को ओपन किया, ये देखें यहाँ पे हम शीट्स को ओपन कर रहे हैं। आपके पास ये नीचे शीट्स का ऑप्शन शो होगा, मेरे पास ये ऊपर है क्योंकि मैं वर्किंग करती रहती हूँ तो ये ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, ऊपर ना शो हो, कंफ्यूज नहीं होना, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन, इसको आप वन टाइम क्लिक करें। देखिए इस तरह से आपके सामने शो होगा। अब ये ब्लैंक जो शीट है यहाँ पे आप वन टाइम क्लिक करें, ये देखें ये आपके पास जो है ये एक ब्लैंक शीट आपको मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम
फाइल लिखा हुआ है, ये देखें सब, फाइल पे वन टाइम क्लिक किया। अब ये देखें यहाँ ओपन, ओपन को क्लिक किया, ये देखें अपलोड, इस ऑप्शन पे हम जो है क्लिक करेंगे। ड्रैग अ फाइल हेयर, सिलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, यहाँ पे हम जो है क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। जी, और फिर ये देखिए डाउनलोड्स पे क्लिक किया, और ये जो आपकी जो है वो डाउनलोड हुई थी शीट, वो 200 आइटम्स वाली, वो ये है, इसको हमने क्लिक किया और ये ओपन। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, ये अपलोड हो रही है, ये देखें उस दिन कुछ नेट का इशू था, इस ये देखें अब आपके सामने ये शो हो रही है। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, तो ये देखें कितने आइटम, ये देखें 201। ठीक है, इस तरह से आप लोग वर्किंग करेंगे, करेंगे, और जो है वो शीट को आप इस तरह डाउनलोड कर लेंगे, और फिर इसको इधर। जी, अब सबसे पहले तो ये देखें, जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो ये ऊपर से यूआरएल और एसएन सब चला गया। अब नीचे गए हैं तो मुझे नहीं पता कि ऊपर ये क्या लिखा था, इसके ऊपर क्या था। ठीक है, सबसे पहले जो है हम इसका जो है इसको फ्रीज करेंगे। कैसे करेंगे आप वो देखें, व्यू पे आए, वन टाइम क्लिक किया, सेकेंड ऑप्शन है फ्रीज, इसको क्लिक नहीं करना, आपने इस पे कर्सर रखा तो ये आ रहा है यहाँ पे अप टू रो वन होता है। 1 मिनट, जी रो वन पे मैं क्लिक कर रही हूँ, ये देखें वो फ्रीज हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप फ्रीज कर लें और फिर आप नीचे वर्किंग करते रहें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जी, अब जिस तरह अब ये शीट हो गई है, तो आपने पहले कंट्रोल ए करेंगे। जी, पहले आप कंट्रोल ए करेंगे और देन आप फिर कंट्रोल सी। ठीक है, अब ये यहाँ से कॉपी हो गई है, और फिर आप लोग अपनी असाइनमेंट शीट पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, वो फिर आपके जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया सबको। व्यू में गए, फ्रीज रो वन, इसको हमने फ्रीज कर दिया, और देन फिर हमने कंट्रोल ए और फिर कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, और फिर असाइनमेंट शीट पे जाके आपने जो ब्लैंक शीट लेंगे या अपनी जो है ऑलरेडी आपकी, उस पे इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। अब ये यहां तक तो आप सबको समझ आ गई। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गई, इस पे अब आप लोगों ने वर्किंग क्या करनी है। ठीक है, इस पे सिर्फ एक, इसमें से ये जो फर्स्ट आप करेंगे ना, इस पे वर्किंग करनी है। आप यहाँ पे एक जो है वो हम ब्लैंक जो है वो ब्लॉक एक और बनाएंगे। ठीक है, एक कॉलम एक और बनाएंगे। आप इधर राइट हैंड क्लिक करेंगे, और ये देखें इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट, वन कॉलम जो है हम इधर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इस पे वन टाइम क्लिक किया, ये देखें आपको एक जो है वो खाली कॉलम मिल गया। इसी तरह अब हमें एक और कॉलम लेना है, राइट हैंड क्लिक किया और फिर इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट, और एक और मिल गया। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हम क्राइटेरिया टोटल प्रोडक्ट
और दूसरे जो कॉलम में लिखेंगे अमेज़न टोटल प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब क्राइटेरिया टोटल प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम, कि हम ब्रांड नेम जो है उसको कॉपी करेंगे। और उसको हम ले जाएंगे ब्लैक बॉक्स पे। और ये क्राइटेरिया जैसे हमने पहले पुट किया हुआ है जी, एडिट फिल्टर्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें क्राइटेरिया हमने पहले से वो लगाया हुआ है, ठीक है, वो क्राइटेरिया वैसे ही रहेगा। आप यहाँ पे एग्जैक्ट ब्रांड सर्च में उस ब्रांड को पेस्ट कर देंगे जो वहां से आप अपनी शीट से कॉपी करके लाए, देन अप्लाई फिल्टर। अब ये देखें इस टूल ने हमें दिखाया है कि इस जो क्राइटेरिया हमने उनको दिया, इस टूल को दिया था ना, उसने कहा है कि इस ब्रांड की एक प्रोडक्ट जो है वो आपके क्राइटेरिया को मीट